सो हेलो गाइस, क्या आप भी अपने लिए एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि आपके सारे ही काम बहुत ही इजीली कर पाए? तो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक फ़ोन, जिस फ़ोन का नाम है गाइस रेडमी नोट 11। गाइस, ये बहुत ही सही फ़ोन रहने वाला है आपके लिए अगर आप अपने ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए या फिर अपनी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए या घर के यूज़ के लिए या गेमिंग के लिए इसको लेना चाहते हैं। क्योंकि गाइस, ये बहुत ही सही है, इसका क्लासी डिज़ाइन आता है, बहुत ही सही फ़ोन है गाइस। ये हमारे इंडियन मार्केट में कुछ एक साल पहले आ गया था और बहुत सारे लोग इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं और गाइस, इसके रिव्यूज़ बहुत ही सही आ रहे हैं। जिन भी लोगों ने इस फ़ोन को यूज़ करा है वो कह रहे हैं कि गाइस, इसकी क्वालिटी आए हाय। गाइस, ये बहुत ही सही क्वालिटी प्रोवाइड करता है इस बजट में। गाइस, ये ओनली 15,000 का फ़ोन है और गाइस, ये इतनी सही क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइस, सभी लोगों को ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि गाइस, इतनी सही क्वालिटी इस प्राइस रेंज में तो गाइस मुश्किल है। तो गाइस, ये फ़ोन है हमारा Xiaomi की तरफ से आने वाला MI Redmi Note 11। गाइस, ये हमको ये बहुत सारे वर्जन्स में लॉन्च हुआ है, जैसे कि गाइस चाइना में इसका अलग अलग वर्जन्स आए हैं, पर गाइस इंडिया में सिर्फ इसका एक ही वर्जन आया है गाइस, जो है Redmi Note 11। गाइस, जो Redmi Note 11 है उसमें हमको क्वांटम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि गाइस गेमिंग, अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस, वीडियो एडिटिंग और वीडियो को यूज़ करते समय या वीडियो को देखते समय बहुत ही सही इसमें फील डाल देता है, इसमें जान डाल देता है पूरे फ़ोन में। और गाइस, जो अपना इंडियन वर्जन वाला जो फ़ोन है गाइस, उसमें हमको 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिल जाता है गाइस, जो कि बहुत ही सही रहेगा। इससे हमारी पिक्चर क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाती है और पावरफुल डिस्प्ले होने के कारण, 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो होने के कारण ये फुल HD हमको वीडियोस प्रोवाइड कराता है। हम इसमें फुल HD में वीडियोस देख सकते हैं और गाइस, इसका कलर ब्लेंडिंग जो है गाइस वो बहुत ही प्यारी आती है। और गाइस, ये हमारे यहाँ सिर्फ एक ही वर्जन आया है जो कि Amazon पे बहुत ही ईजीली अवेलेबल है, नोट 11 करके, जो कि गाइस मैं आपको उसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि गाइस मैं इसको पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ तो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही सही लगा है। और जो गाइस इसकी कैमरा क्वालिटी है, इसका स्लो मोशन से गाइस उसकी तो कोई बात ही नहीं, इसका स्लो मोशन बहुत ही तगड़ा कैप्चर करता है ये। और इसकी जो स्क्रीन है का एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण गाइस, ये बहुत ही सही से हमारी गेमिंग को हैंडल कर लेता है, इजीली हम कोई भी टफ़ गेम्स इसमें खेल सकते हैं, जैसे कि PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी और बहुत ही सारे गेम, फ्री फायर जैसे, या बहुत ही अच्छे अच्छे गाइस हम इसमें गेम खेल सकते हैं। ऑफिस वर्क या गाइस और भी सारी चीज़ों के लिए गाइस ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और गाइस, ये हमको सिर्फ़ और सिर्फ 15,000 के अंदर अंदर मिल जाता है। इसमें गाइस हमको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जो कि गाइस बहुत ही सही रहेगा। ये गाइस हमारा इंडियन वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, जो गाइस इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसमें गाइस हमको 5G मिल जाता है, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और गाइस इसमें हमको मिल जाती है गाइस 5000 mAh की बैटरी हमारे इंडियन वर्जन में। इंडियन वर्जन में हमारे पास गाइस 3 कलर आए हैं जो कि बहुत ही सही कलर है, जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी हम कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमको डॉल्बी ऑडियो भी मिल जाती है गाइस, जो कि बहुत ही तगड़ा बना देती है इस फ़ोन को। और गाइस पीक ब्राइटनेस इसकी 12,000 निट्स है गाइस, जो कि इसको बहुत ही सही कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराती है। तो और आगे बढ़ते हैं गाइस, जैसा कि आप ये फ़ोन में देख पा रहे हैं, ये प्रो सीरीज़ हमारे यहाँ नहीं लॉन्च हुई है, ये सारी चाइना, इंडोनेशिया ऐसी जगहों पर गाइस लॉन्च हुई है। हमारे इंडिया में ये गाइस सिर्फ Redmi Note 11 लॉन्च हुआ है, जो कि गाइस बहुत ही सही फ़ोन है, बजट में, एकदम बजट में मिलने वाला बहुत सही फ़ोन है गाइस। इसकी अनबॉक्सिंग ज़्यादातर लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे गाइस, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में रह रहा है और 2023 के हिसाब से गाइस ये बहुत ही बेस्ट फ़ोन होने वाला है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 30-40 मिनट्स में आपकी पूरी ही चार्ज कंप्लीट हो जाएगा गाइस, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप सारी ही जगह यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस वर्क में, ऑनलाइन क्लासेस में और मीटिंग्स में। इसमें हमको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है गाइस, जो कि बहुत ही सही रहने वाली है। और गाइस ये लॉन्च हो चुका है पहले ही, पर इसको मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ताकि गाइस ये बहुत ही बजट में है। गाइस अब हम इसके कलर्स की बात कर लेते हैं,
तो गाइस इसमें सबसे पहले मेनली हमको 3 कलर मिल जाते हैं इंडियन वेरिएंट में, जो कि अमेजोन पे बहुत इजीली अवेलेबल है। पहला है गाइस अपना एटलांटिक ब्लू, जो कि गाइस बहुत ही सही लगता है, क्लासी लगता है, हैंड फील इसकी बहुत सही है। जो दूसरा कलर आता है गाइस हमारे पास, वो है ग्रेफाइट ग्रे। ग्रेफाइट ग्रे मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है गाइस, मुझे बहुत ही प्यारा लगा है गाइस ग्रेफाइट ग्रे। गाइस जो थर्ड कलर वो आता है हमारा पोलर वाइट। गाइस पोलर वाइट भी गाइस बहुत ही तगड़ा कलर है, बहुत ही सही हमको फोटो क्वालिटी देता है ये फ़ोन, वीडियो क्वालिटी भी। और गाइस इसका जो प्रोसेसर है गाइस वो बहुत प्यारा है। स्टार ब्लू भी एक इसमें कलर अवेलेबल है, जो कि अच्छा कलर है गाइस। और गाइस ये देख सकते हैं तीनों वेरिएंट साथ में, ये इसकी स्पेसिफिकेशन से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ फ़ोटो सैंपल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ़ोटो सैंपल इसी फ़ोन के हैं गाइस। ये फ़ोटोज़ मैंने ली थी गाइस, बहुत ही तगड़ी फ़ोटो आती है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।